दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। एक बाल अपराधी को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी की ज्वेलरी और उपकरण बरामद हुए हैं। बरामद माल की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि ये चोर गैंग बनाकर बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी करते थे। इन्होंने ही हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एचडीएफसी बैंक मैनेजर के घर चोरी की थी। ये ठेली पर सोसाइटी में जाकर सामान बेचा करते थे। ऐसे घरों में चोरी करते थे जिसमें बाहर से ताला लगा रहते थे, या फिर ऐसे घर जिनको ये रात में जाके चेक करते थे और जिसके दरवाजे पे नॉक करने पे या उसको खोलने पे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती थी, उन घरों को निशाना बनाते थे। और इनको पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये दिन में तो अपना नॉर्मल काम धंधा करते थे, जैसे कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है या कबाड़ी का काम कर रहा है, और रात में ऐसे घरों में निशाना बनाते थे जो जनरली खाली रहते थे। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये भी था कि ये जितने भी लोग हैं ज़्यादातर बहुत पतले शरीर के हैं और ऐसी जगहों से एंट्री करते थे जहाँ से आराम से एक पतला नॉर्मल आदमी घुस जाए, जैसे एग्जॉस्ट फैन लगने वाली जो जगह होती है और खिड़कियों से घुसने की जो जगह होती है वहाँ से ये घरों के अंदर प्रवेश करते थे। ये जो कुछ चोरियाँ हाल फिलहाल में अभी पिछले 3-4 महीनों में बढ़ गई थी, और ऐसी सोसाइटी जैसे अनसल्व गोल्फलिंग और अनसल्व हाउसिंग सोसाइटी जो है वहाँ पे ये वारदात करी है इन्होंने। इसमें कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर से भी इन्होंने सामान चोरी किया था जिसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। ये टोटल 6 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। ज़्यादातर ये जो लोग हैं रहने वाले बिहार या जिला अलीगढ़ के हैं, और अभी इनसे पूछताछ में पाया गया कि ये आपस में दोस्ती यारी में थे और गैंग बना करके कार्य कर रहे थे। इनके कुछ साथी जो हैं अभी फरार हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनके खिलाफ भी हमारा अभियान चल रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द करी जाएगी। इसमें जो सामान जिन्होंने बेचा है उनसे भी अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, कुछ सामान उनसे बरामद हुआ है, बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। और जो ये सामान है जिसमें सोने की चेन है, कंगन है और ईयरिंग्स हैं, अंगूठी हैं, कई सारे घरों से इन्होंने टोटियाँ चुराई हैं पानी वाली, उसके बारे में इन्होंने बताया कि इसके अच्छे दाम मिलते हैं कबाड़ वालों के, इसलिए ये टोटी वगैरह भी गायब करते थे। तो इस तरीके से B2 पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया, एक अच्छे गैंग को पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में सरगना ने बताया कि वो बंद घरों को निशाना बनाते थे। सरगना ने जज और वकील के घर में चोरी की घटना को भी कबूल किया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि गैंग में शामिल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए राजेंद्र कौशिक की रिपोर्ट।